Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method, launching separate branches for girls and आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है AAT तेलंगाना न्यूज़ में। कुछ दिन कबल यानी 19 अक्टूबर को एक नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई थी। मामेडीपल्ली रोड पर एक शख्स को मारकर बुरी तरह से जला दिया गया था। इस शख्स की शिनाख्त शेख आदिल की हैसियत से की गई थी। इस केस के सिलसिले में आज पहाड़े शरीफ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कत्ल में मुलविस 5 अफराद के नाम हैं। A1 सैयद फरीद अली उमर 27 साल, A2 जोया बेगम उमर 32 साल, A3 मोहम्मद रियाज उमर 21 साल, A4 शेख माविया उमर 28 साल, A5 मोहम्मद जहीर उमर 20 साल। इन तमाम को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से एक ऑटो ट्रॉली, 4 मोबाइल फोन, एक खंजर, एक स्कूटी और एक होंडा एक्टिवा को जब्त कर लिया गया। ये गिरफ्तारी श्री महेश भगवत IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस की जेर निगरानी में अमल में आई। आइए नाजरीन सुनते हैं मजीद तफसीलात महेश भगवत IPS की जबानी। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज से ये तफसीली रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में 19 तारीख के दिन एक डेड बॉडी एक पुरानी फैक्ट्री में पड़ी है, ऐसे करके इंफॉर्मेशन आया था। तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो देखा कि वो बॉडी जो है जली हुई कंडीशन में थी और प्राइमरी देखने से ही मालूम हुआ कि वो एक मर्डर केस है। तो उसमें हम लोगों ने तहकीकात इमिडिएटली स्टार्ट कर दी और उस तहकीकात के बाद में आज 5 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली जो मरने वाला था इसका नाम था शेख आदिल अलियास नरेश, 37 साल का था और राजेंद्र एरिया का रहने वाला था। इसमें जो एक्यूज है उसमें से जो A2 है जोया बेगम वो इसकी वाइफ है और बाकी के जो एक्यूज है A1 सईद फरीद अली और A3 A4 A5 जिनके नाम मोहम्मद रियाज, शेख माविया और मोहम्मद जहीर, ये सब लोग साइदाबाद एरिया और चंद्रयान गुट एरिया के रहने वाले हैं। जो A1 है उसका बेसिकली थोड़ा बिजनेस है, उसकी गाड़ी है, अपनी ऑटो वो चलाता है। तो इसमें हुआ वाकई ऐसे हुआ कि जो इस मरने वाला है इसकी वाइफ के साथ इसका लव मैरिज हुआ था काफ़ी सालों पहले। इन लोगों के 4 बच्चे भी हैं लेकिन उसके बाद में इनमें थोड़े डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। इसमें जो डिसीज ने एक दूसरी शादी भी कर ली एक दूसरी लेडी से और वैसे डिफरेंसेस स्टार्ट होने के बाद में से जो इसकी वाइफ है जो कि आज के केस में A2 है इसने भी इसका भी A1 है इसके साथ में दोस्ती हो गई, इनके भी आपस में रिलेशन स्टार्ट हो गए। तो इन कारणों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग भी दोनों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। जो वाइफ है वो इधर चंद्रयान एरिया में रहना उसने स्टार्ट कर दिया था और कुछ इनके पैसों का भी इशू था डिसीज का और A1 का, कुछ पैसे भी इनका देने का पेंडिंग था। तो ऐसा सब चलते हुए इन दोनों ने A1 और A2 जो वाइफ है दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको ख़त्म करके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी प्लानिंग के मद्देनज़र इन लोगों ने 19 और 20 तारीख की रात को ये जो डिसीज है इसको उसकी वाइफ के थ्रू फ़ोन करवाया कि घर में आ जाए और उससे कुछ बात करनी है। और जैसे उसने आने के लिए हाँ किया ओके बोला तो जो वाइफ है उसने इमिडिएटली जो A1 है उसको खबर दी चला दी कि वो वैसे आने के लिए रेडी हो गया है। तो A1 ने अपने जो 3 साथी हैं और जो कि आज के केस में A3 A4 A5 है उनको भी सबको रेडी कर लिया। तो ऐसा सब लोग रेडी होने के बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए और जब तक डिसीज वहाँ पे पहुँचे लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में और उसके बाद से मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ है वाइफ को इन लोगों ने एक ओवर के साथ में बाहर कहीं खेल दिया और ये जो बाकी के जो लोग हैं ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है, उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी स्ट्रीट एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस ख़त्म हो जाए।
शुरुआत में ये केस बहुत ही नामुमकिन टाइप लग रहा था, क्योंकि इस केस में हमको तो जो मरने वाला है उसकी शिनाख्त हुई थी और ना ही हमको कुछ और इसमें क्लू थे। लेकिन हमको सीसीटीवी फुटेज के द्वारा स्टार्टिंग में कुछ क्लूज मिले, उनको आगे डेवलप किया गया और बाकी हमको जो लोकल कुछ खबर भी हम लोगों ने इकट्ठी की, वो सारी इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने आज इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। इस केस में बेसिकली हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया, उसमें हमारे ACP वनासलीपुरम, हमारे IT सेल इंस्पेक्टर और हमारे पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर, पहाड़ी शरीफ DI, पहाड़ी शरीफ SI और उनका सारा टीम, इन सब लोगों को हम रिवार्ड से भी नवाजें। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ AC डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200 से 300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल, मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।